असलम सो so, आज हम बात करते हैं हाई पिगमेंटेशन के बारे में जी हाँ जी बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है प्लीज़ 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 प्लीज हमें बता दें कमेंट एंड डी में, में हज़ारों जगह पर सेम क्वेश्चन होता है कि हमें हाई पिगमेंटेशन के बारे में बता दीजिए सो so, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में हाई पिगमेंटेशन के बारे में वट इज़ अ हाई पिगमेंटेशन इसे क्या है आपकी स्किन पर तो हाई प्रिगमटेशन होती है तीन तरह की इसमें पहले नंबर पे है सनस्पॉट नंबर टू पे है पोस्ट हाई प्रिगटेशन जो होती है आफ्टर एक्नी बनी एंड पिंपल के बाद जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं उन्हें कुछ लोग कहते हैं कि ये हाई प्रगमटेशन है वो भी इस एक तरह की हाई प्रिगमटेशन होती है नंबर थ्री पर कर बात करें तो नंबर थ्री पर है रियल वाली हाई प्रिगमटेशन जिसे बोलते हैं एंड जिन लोगों को हाई प्रिगमेशन जो नहीं पता अच्छाइयों की मैं बात कर रही हूँ जो हमारी स्किन पर होती हैं ओके अब समझ आ गई आगे चले सो so, अब बात करते हैं कौन से बेस्ट वे हैं जिनसे हम ये ख़त्म कर सकते हैं अपनी स्किन से लाइक सीरियसली बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं एंड उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि हमने क्या यूज़ करना क्या नहीं यूज़ करना सो so, उनके लिए बता देती हूँ कि मैं आपको आज कुछ वे बताऊँगी जिस वे से आप हदम कर सकते हैं कुछ लोग क्रीमेक लगाते हैं कुछ लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आज मैं कंप्लीट बताऊँगी दुनिया में कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद मतलब से आप ख़त्म कर सकते हैं आप हाई फ्रिगवेंटेशन जिसको बोलते हैं छाइया तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम अपनी स्किन से हर आई की मदद से आई लेज़र की मदद से हम अपनी स्किन पर से ये हाईपीमटेशन ख़त्म कर सकते हैं हाईपीमटेशन में मतलब कि ये सनबर्न भी आ जाता है पोस्ट हाइपीमेशन सब कुछ आ जाता है तो आईपीएल लेजर की मदद से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं नंबर टू पर हम ख़त्म कर सकते हैं केमिकल पीलिंग की मदद से नंबर थ्री पर हम ख़त्म कर सकते हैं नंबर थ्री पर हम मतलब कर सकते हैं लेजर पील की मदद मतलब से जी हाँ जी आईपीएल लेजर अलग चीज़ होती है लेजर पीलिंग अलग तरह की होती है सो so, इन दोनों में आप डिफरेंस रखिएगा नंबर फोर पर हम खत्म कर सकते हैं लाइटनिंग क्रीम के मदद से जिससे हमारी स्किन गोरी हो जाती है तो वो भी जाके हमारी हाइपिक मडिशन पर काम करती है और हमारी हाईपिक मटेशन को ख़त्म करती है तो जी हाँ जी लाइटनिंग क्रीम की मदद से भी अपनी हम हाइपिक मडिशन को ख़त्म कर सकते हैं नंबर फाइव पर बात की जाए तो नंबर फाइव पर है एसिड्स फेस एसिड्स जिसमें अल्फा अल्फाबोटीना होता है या इनकी लिस्ट वालों के हज़ारों तरह के एक एसिड्स आपको दिए जाते हैं जिसकी मदद से आप अपनी हाईपिक मडेशन को ख़त्म कर सकते हैं नंबर सिक्स पर बात कीजिए तो डर्मा प्रेसिंग की मदद से हम हाँ खत्म कर सकते हैं ये एक तरह का ट्रीटमेंट होता है एंड नंबर सिक्स पर बात कीजिए तो नंबर सिक्स पर डर्मा प्रेसिंग जी हाँ जी डर्मा प्रेसिंग अलग होता है एंड माइक्रो डर्मा प्रेसिंग अलग होता है तो ये सात वे दुनिया में अभी तक हैं जिसकी मदद से आप खत्म कर सकते हैं अपनी हाई तो आपने जो भी वे इस्तेमाल करना है उनमें से कोई भी आप इनमें से कर सकते हैं सो so, अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जल्दी आप किसे कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं लेज़र पीलिंग की मदद से अपनी हाईकमेंडेशन को चुटकियों में हता सो so, अगर आपने लेजर निकटानी मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होती है आफ्टर लेज़र उनकी स्किन पर उसी टाइम तो चले जाते हैं लेकिन दोबारा छः सात महीने बाद दोबारा आ जाते हैं तो इस वजह से आते हैं आफ्टर लेज़र आप अपनी स्किन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और अपनी स्किन आप आफ्टर लेज़र आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और आप चले जाते हैं धूप में और आपकी स्किन पर दोबारा वो सनस्पॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं सो अगर आपने लेज़र पील करवाना है तो प्लीज़ अपनी स्किन का ख्याल रखें अपनी स्किन को यू वी एू वी बी सान की वजह से अपनी स्किन को बचाएँ और हीट से अपनी स्किन को बचाएँ अक्सर औकात पीलिंग के बाद चाहे वो लेजर पीलिंग के हो चाहे केमिकल पीलिंग हो या किसी भी ट्रीटमेंट के बाद आपने अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना बिकॉज आपकी स्किन हो जाती है लाइक बेबी स्किन और स्किन ओवर सेंसिटिव हो जाती है सो अपनी स्किन को हमेशा आपने ढांप के रखना है क्रीमों से नहीं सन ब्लॉक से जी अगर आप अपने डेली रूटीन में सन ब्लॉक लगा कर रखें तो आप बच सकते हैं हाई पिगमेंटेशन से डार्क स्पॉट से और इस तरह के सन स्पॉट से अगर आप डेली रूटीन में अपना हाई पिगमेंटेशन आपकी लाइट से है तो आप यूज़ कर सकते हैं लारोशे पोसी का सन ब्लॉक जिसमें एंटी एंटीमांछा भी है मतलब आपकी स्किन पर हाई पिगमेंटेशन है डार्क स्पॉट्स हैं तो ये उनको खत्म कर सकती है इसके अलावा आप हाई पिगमेंटेशन के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं आप यूज़ कर सकते हैं सिस्तरमा का एसलिक कैसिड फॉर डॉक्सपोर्ट एंटी पिगमेंटेशन नंबर टू पर आप यूज़ कर सकते हैं लारू पोसे का एंटी पिगमेटासन फॉर डॉक्स फॉर डॉक्सपोर एंड एंटी एंड हाईप्रिक मेटेशन नंबर थ्री पर आप यूज़ कर सकते हैं अल्फा और नंबर फोर पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं एसोरिन का हाईप्रिक मेटेशन क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं चार भी है जिससे आप बेस्ट तरीके से अपनी हाईपिक मटेशन को ख़त्म कर सकते हैं इसके अलावा आप अपनी स्किन को डेली सन ब्लॉक से डाम के रखेंगे तो ये सारी क्रीमें वगैरह आप स्किन पर अच्छे से असर करेंगी अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगा के रखेंगे तो इन सब क्रीमों को आप कूड़े में फेंक दें क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होना जब तक आप नहीं अपनी डेली रूटीन में रूटीन बनाते हैं कि आपने सन ब्लॉक को लगा कर रखना है उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी भी इस वीडियो को अगर okay, अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा इसके अलावा बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा कुछ तो फ़ायदा हो और अगर बेल आइकन का बटन आप दबाएँगे दुआ तो मेरी हर हाँ वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी और आप देख सकेंगी अच्छी अच्छी मालूम स्किन के बारे में एज अ प्रोफेशनल अल्लाह दो में याद रखिएगा